वैश्विक विकास के लिए कृषि, पर्यावरण और अनुप्रयुक्त विज्ञान में उन्नत विषय पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन डॉक्टर वाईएस परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। कृषि पर्यावरण विकास सोसाइटी और नौणी विश्वविद्यालय इस सम्मेलन को कायरा विश्वविद्यालय के प्लांट पैथोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित कर रहे हैं। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वैश्विक विकास के लिए कृषि, पर्यावरण और अनुप्रिय विज्ञान में उन्नत विषय का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन डॉक्टर वाईएस परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। कृषि, पर्यावरण विकास सोसाइटी और नौणी विश्वविद्यालय इस सम्मेलन को कायरा विश्वविद्यालय के प्लांट पैथोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित कर रहे हैं। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि 3 दिवसीय आयोजन में भारत के 15 राज्यों के अलावा विदेशों से भी प्रतिभागी भाग लेने पहुंचे हैं। सम्मेलन के दौरान कृषि, वानिकी और समृद्ध विज्ञान पर समग्र रूप से चर्चा की गई ताकि समाज के सशक्त विकास में इसका योगदान हो सके। विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालय और ICAR के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय गेहूं अनुसंधान और जौ अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के अलावा कई संस्थाओं से आए वैज्ञानिक इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और अपना अनुसंधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सम्मेलन प्रख्यात वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, विद्वानों और छात्रों के लिए एक मंच लेकर आया है ताकि सशक्त विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की GDP में जहां किसानों का अहम योगदान है, वहीं प्राकृतिक खेती के बारे में उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में काफी बल दिया जा सकता है और जिसका परिणाम है कि जहां पहले केवल 5,000 किसानों ही इस खेती के द्वारा खेती करते थे, वहीं अब इसे प्रदेश सरकार द्वारा 50,000 किसानों तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों का जो आमदनी दुगना करने के लिए उन्होंने अच्छे जो है नए नए इनिशिएटिव्स शुरू किया है, जिसमें जो है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, पहले यहाँ पर 5,000 लोग किसान करते थे, अभी उसको बढ़ाकर सब्सिडी देकर 50,000 तक उसको बढ़ाने का उनका निर्णय रहा, तो बहुत अच्छा कदम है। वैसे ही जो है जो किसानों का जो भूमि रहता है, जमीन जो रहता है, वो जमीन का भी जो है सॉइल टेस्टिंग करके कौन से सॉइल में कौन सा जो है हम सीड डालना चाहिए, उसके लिए जो भी नया जो है मार्गदर्शन दे रहा है। और इसलिए यहाँ पर जो है बहुत से लोग महिला लोग जो है खेती काम करते हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और दूसरी चीज़ जो है हिमाचल प्रदेश को ये GDP में भी जो है जो किसानों का काफ़ी योगदान है, और यहाँ पर जो है फ्लोरिकल्चर ये भी काफ़ी बढ़ने का बहुत जो है इसमें, तो इसलिए सरकार जो है यहाँ पर वेयर हाउसेस खड़ा करना और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, उसमें जो है सरकार अच्छे कदम उठा रहे और इसका आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से भी हम ज्यादा से ज्यादा फायदा लेंगे। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।